ईट निर्माता समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में एक दिवसीय धरने पर बैठे समिति के लोगों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। धरने में बैठे समिति के वक्ताओं ने कहा, जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में 17 सितंबर 2021 को भट्टों में निर्मित ईंटों पर 50% दर से बढ़ाकर 12% किए जाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 को पारित किया गया है। ईंटों पर दो प्रकार के व्यावहारिक एवं अनुसूचित कर दर वृद्धि प्रस्ताव को वापस लिया जाए। समिति ने शासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि बढ़ाई गई जीएसटी अगर वापस नहीं ली गई तो प्रदेश व केंद्र में भी प्रदर्शन कर वे अपनी आवाज बुलंद करेंगे। धरने के दौरान ईंट निर्माता समिति के सभी सदस्य व पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ना ही किसी के चेहरे पर मास्क लगा था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। धरना करने का क्या उद्देश्य, क्या मांगे हैं? 45वां जीएसटी काउंसिल की जो बैठक लखनऊ में संपन्न हुई थी सितंबर माह में, उसमें इन्होंने निर्णय लेकर के ईंट भट्टों के लिए एक अलग कैटेगरी स्थापित किया, जिसमें कि 1% का जो हमारी कर दर थी उसको बढ़ाकर 6% कर दिया, और आईटीसी क्लेम के साथ जो 5% की कर दर थी उसको बढ़ा करके 12% कर दिया। एक तरीके से 600% की कर की वृद्धि और 250% अपर उस पर जो है इन्होंने कर वृद्धि किया है। आज 2 वर्षों से जिस तरीके से कोरोना की मार झेलते हुए ये कुटीर उद्योग अपनी सांसें ले रहा है, वेंटिलेटर पर एक तरीके से ये उद्योग है, कोयले की भारी मार हमारे ऊपर है। जो कोयला हमने 9-10 हज़ार रुपये टन में खरीदा था पिछले साल, इस साल 20 हज़ार और 22 हज़ार रुपये के बीच में उस कोयले का मूल्य है। इसी तरीके से जो है मिट्टी की हाईवेज और उसमें जिस तरीके से कमी हुई है, मिट्टियों के दामों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो गई है, हमारी लागत बढ़ती चली जा रही है और विक्रय मूल हमारा घटता चला जा रहा है। आज हम लोग 300-400 रुपए मुश्किल से 300-350 रुपए के अंतर पर व्यापार कर रहे थे। जो कर की अभिवृद्धि है वो 700 से और 800 रुपए की है। इसका मतलब कि जो है हमको 300 रुपए प्रति हजार अपनी जेब से देना पड़ेगा। एक तरीके से लगता है कि सरकार ने ये बुलडोजर इस कुटीर उद्योग के ऊपर कर के माध्यम से चलाने का प्रयास किया है, और फ्लाई ऐश और दूसरी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में आना चाहती हैं उनके लिए रास्ता प्रशस्त करने के लिए ही इस उद्योग को समाप्त करने के ऊपर सरकार का ये प्रयास है, और जिसके विरोध में तमिलनाडु से लेकर, कर्नाटका से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, सभी जगहों पर हमारी जो राज्य इकाइयाँ है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जीएसटी काउंसिल में जो उनके राज्यों से प्रतिनिधि हैं उनसे मिल करके अपनी बात कह रही हैं, और हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए पीआरएसटी न्यूज़। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।